से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। बीवी मिली है ऐसी, वो काम क्या करेगी, वो लक्स में नहाकर खुशबू में तर रहेगी। फॉल्स अटैक करो, कुछ भी करो, बस इसके दिमाग में खौफ पैदा करो। जब उसे मारना ही है तो ये नाच गा के मारने का क्या जरूरत है? जरूरत है तभी कह रहा हूं मैं। हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कानून से। एक बार तोड़ कर तो देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। धमकी दे रही हमको? अरे किस बात का गुरूर है तुमको? माँ बाप को तो कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं है और बात करती है। देखिए, हमारे माँ बाप को बीच में मत लाइए, बहुत बुरा होगा। एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। आखिरी बार कह रहे हैं, एक और बार आवाज दीजिए। शिष्टी जी, आप हमारी माँ से चिल्ला के बात नहीं कर सकती, समझिए? आप तमीज से बात कीजिए उनसे। देख लिया, दावा कर रही थी ना तुम कि बिसु पर हमसे ज्यादा हक है तुम्हारा, अब देखो किसके तरफ बोल रहे हो। माँ ये सब क्या हो रहे हैं? आपकी माँ को क्रिमिनल बनने की इच्छा हो रही है। सृष्टि जी, हद पार मत कीजिए। बिशु, अरे आप अभी तक यहीं पर हैं, चले जाइए, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं होने वाला यहाँ पर। चाहिए मिसेस चौहान, आप प्लीज यहां से चाहिए, प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर, प्लीज। ये कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर जेल जाएंगी, ये भी और आप भी। चुप बोल रही है सृष्टि जी। आप चुप रहेंगे अनुराग जी, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। आप अपनी माँ को समझाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब उन्हीं पर भारी पड़े। ए बिशु जी, क्या कर रहे हैं? महाराज लग जाएगा। अरे ए बाबू, भी हट जाइए आप, हट जाइए। बिशु, बिशु, देव जी, बिशु। ये गोली बाहर से चले। देवर जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। देवर जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं। ए, रुको, कौन है? लगता है भाग गए, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है। गाड़ी निकालते छोड़ेगा नहीं, नहीं ब्रिज, अरे कोनो फटा नहीं है, अब पकड़ में नहीं आएंगे वो सब। देवर जी शांत तो जाइए, देखिए कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं लगा है, सब ठीक है। देखिए आप टेंट में बैठते हैं, हाँ वहाँ अच्छा लगेगा आपको, कुछ नहीं हुआ है किसी को, देखिए ना, बिल्कुल शांत हो जाइए, किसी को नहीं लगा है। हाँ जी, कहाँ हुआ ना राख बेटा, कौन था? भाग गए, पता नहीं कौन लोग थे। अरे तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? किसी के भी घर पे बंदूक लेकर घुस आते हो तुम लोग? हाँ जीजा जी, बंदूक हमारा लॉक था। जस्ट शट अप यू इडियट, एंड आई एम श्योर ये जो लोग हमला करने आए थे ये हमारे लिए नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली ने ऐसे दुश्मन नहीं पाल के रखे। ये हमला या तुम्हारे लिए या इस रागिनी के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे ही खानदान ने ऐसे दुश्मन पाल के रखे। जीजा जी हम बोल रहे हैं ना, हमारा बंदूक। मिस्टर जी, ठेकेदारी के काम में दुश्मनी होता रहता है, अभी आपका नया साइट है ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है। अरे बच्चा बच्चा कट्टा चलाता है यहाँ पे, अरे कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाए कोई मालूम थोड़ी होता है। यहाँ क्या पागल रहते हैं क्या? बात बुरी लगी तो गोली चला देंगे। अरे बस करो भाई, कहाँ बहस लेकर बैठ गए तुम दोनों? देखो
इस समय आपस में लड़ने का नहीं है भाई, बल्कि ये सोचने का है कि इस हमले के पीछे कौन था और किस मकसद से उसने हमारे परिवार पे गोली चलाई। बेटा, जो आदमी आज हम पे हमला कर सकता है, हो सकता है वो कल भी हम पे हमला करे। देखो, हम सबको इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। चलते हैं। अरे बहन जी, तने रुकिए, बातचीत करके जाइए। बातचीत बाद में कर लेंगे, फोन पे कर लेंगे। बहन जी, कहा है ना कि दवाई खाना बहुत जरूरी है, ना तो ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम, आगे दीजिए। हम पानी लेके आते हैं आपके लिए। बच्ची भाभी, हमसे ऐसा कैसे हो गया? अगर गोली चल जाती तो हम किसी को नहीं मार सकते, कभी नहीं मार सकते भाभी। हमारा बात सुनिए, गोली आपने तो नहीं चलाई है ना? किसी को नहीं लगा है, देखिए किसी को नहीं लगा है। किसी को लगा गोली, किसी को नहीं लगा है। और आप इतना मत घबराइए, हम ना शिष्टी जी को समझा देंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आप शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, मत घबराइए। मान जाइए शिष्टी जी, नहीं तो काश मैं वहां पर होता, उन सब का डरा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आता। उन सब की नानियां याद आ गई होंगी ना? अब हमको तो ये सब देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो मान जाते हैं। यार, तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर का बड़ा प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। बस तुम उन सब का डर बढ़ाते जाना, तब तक जब तक उनका डर हलक तक ना आ जाए। और उसके बाद शेखर शर्मा को बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अब तुम जाओ और मेरे अगले कॉल का इंतजार करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगली चाल क्या चल रही है। ठीक है, जाते हैं। अब होगा धमाका। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। हमको तो लगता है कि हम सबको ना ये मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए। काहे कि हमें नहीं लगता कि आप कुछ हो। क्या बोल रही हैं आप? ऐसे कैसे जाने दे इस बात को? हमारे परिवार पे गोली चलाया भाई, समझती हैं आप? इस बात को हल्के में लेने का मतलब है किसी बड़ी मुसीबत को दावत देना। भैया, आपको ना चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये जिला में जितना गुंडा बदमाश लोग है ना, सबका खबर निकलवाएंगे हम। ये पूरे क्षेत्र का जो बाहुबली लोग है ना, जानता है हमको। हम अब ये पता करवाते हैं कौन हिम्मत किया यहाँ गोली चलवाने का।
चाचा, गुंडों को पकड़ने के लिए दूसरे गुंडों को मत कॉन्टैक्ट कीजिए, इससे हमारी समस्या और बढ़ सकती है। पापा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस चीज को मैं खुद हैंडल करूंगा, प्लीज। अनुराग बेटा, तुम इस सब मामला में मत पड़ो है। तुम्हारा लंदन नहीं है, बिहार है, यहाँ छोटा छोटा बात पर गोली बारूद चल जाता है। माँ, मैं किसी से लड़ने भिड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और कुछ नहीं। बेटा देखो, जो भी करना ना, बहुत सोच समझ के करना, बाकी तुम खुद ही समझदार। और आज पंचायती में हम भी मामला उठाएंगे, चलते हैं। चलो ब्रज। जी भैया। मिस्टर जी, हम कह रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है लगने दो, मुझे क्या करना है वो मैं खुद तय करूंगा, तुम नहीं। इन्हीं सब कुछ बातों को लेके बहुत परेशान हूँ। चल कोई नहीं, मैं फिर आराम से बात करता हूँ। हाँ, ओके। मिस्टर जी, आप हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों से ना हम बहुत अच्छी तरीके से निपटना जानते हैं। अरे हमें ना हमारे तरीके से इस मामले का छानबीन करने दीजिए आप। ओ प्लीज शट अप रागिनी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, दूर रहो मेरे घर के मैटर से प्लीज। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे या तुम्हारे फैमिली के एक दुश्मनों का ही किया घर है, और इस घर पे आज तक पहले कभी अटैक हुआ ही नहीं है, इसीलिए इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम रागे। बस कीजिए मिस्टर जी, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे हमारी फैमिली के बारे में। अरे कोई सर फिर आके गोली दाग के चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे हमारी फैमिली पे इल्जाम लगा देंगे, समझा आप? इल्जाम क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बताओ ना, क्योंकि इस घर में तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है जो इस बंदूक की लैंग्वेज में बात करता हो, पर आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। आई एम वेरी मच श्योर कि ये तुम्हारा ही कोई पुराना दुश्मन है। और रागिनी सिंह, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को कोई भी मुसीबत आई तो तुम्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें शायद हम गलत टाइम पर आ गए। नहीं नहीं, तुम गलत टाइम पे नहीं आई हो, दरअसल टाइम ही गलत चल रहा है। आओ ना, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो, प्लीज कम। हमें आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है? अनुराग जी, इस घर में कभी भी हमारी बात सीरियसली नहीं ली गई, और अब तो हमें भी सीरियसली नहीं लिया जाता, इसलिए कहने में थोड़ी हिचक हो रही है। सृष्टि, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जो कुछ भी कहना है बिना किसी हिचकिचाहट के कहो, मुझे पूरा यकीन है तुम जो कुछ भी कहोगी उसमें हम सबकी भलाई ही होगी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू अनुराग जी, हमें लगता है कि इस अटैक के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये समय अलग अलग तरीकों को ट्राई करने का नहीं है, हम जितनी देर करेंगे उन गुंडों तक पहुंचने में उतनी ही मुश्किल होगी, बस यही कहना था। तुम एकदम सही कह रही हो, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। और हाँ, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक, बट मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तो प्लीज आज के बाद मुझसे कुछ भी डिस्कस करना या कुछ भी सजेशन देना कभी हेजिटेट मत करना, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो हम शेखर से कह देते हैं कि कार्रवाई शुरू करवा दे, तो फिर उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। एंड थैंक यू अनुराग जी।
एक आप ही हैं जो हम पर और हमारे कैरेक्टर पर कभी शक नहीं करते। थैंक यू। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कब लौट चुकाना है? My pleasure. Thank you. कानून की देवी अपने को बेचारा साबित करने के लिए मिस्टर जी का हमदर्द पाना चाहती है। मतलब ये अपना खेला शुरू कर चुकी है और हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी ना सर से ऊपर जा रहा है। वो लड़की हम ना एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते कह रहे हैं। अरे आज अगर गलती से भी बिसु से गोली चल जाता तो, अरे लड़की तो जाती, साथ में हमारा बिसु को भी जेल हो सकता था ना। अरे जब से आई है ना तब से मनहूसियत फैला रही है। अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रोजी हम तो आपका पूरा बात समझ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, इस सृष्टि को ना कंट्रोल में करना बहुत ही जरूरी है। बाकी आप क्या उपाय सोच रही हैं? ऐसा देवर जी, हमको एक ऐसा वकील चाहिए जो कानूनी मामले में उस सृष्टि का भी बाप हो। अरे उसके पास ना उसका हर सवाल का जवाब होना चाहिए, फिर देखिए हम उसको कैसे घर से निकालते हैं। मतलब शेर को काबू में करने के लिए सवा शेर चाहिए है? बस ऐसा ही कुछ समझिए। अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो कानून वाली को निकालना नहीं पड़ेगा, खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। अरे दीदी जी, हम ना फोन को चार्ज पे लगा के ना आप ही का फोन का वेटिंग कर रहे थे। नारद, हम तुम्हें फोन करने ही वाले थे। जब से यहाँ पे गोली चला है ना, पूरे घर में इमरजेंसी हो गया। बा सबका फ्यूजे उड़ गया है। यहाँ तो बहुत गंभीर है मामला यहाँ पर। अच्छा तुम ये बताओ, तुम बाबूजी को कुछ बताया तो नहीं ना? अरे कैसा बात कर रही हैं दीदी जी, हमको कोनो मार खाना है आपसे। आपका आदेश नहीं मिला है तो कैसे बता देंगे? बहुत अच्छा किए। हमें ना ये नए नवेले दुश्मन के बारे में पता करना है। शक हो रहा है कि ये ना ठेकेदारी के काम से इसका कोनो तार जुड़ा हुआ है। अरे दीदी जी, आप बोले तो हम काम पे लग जाते हैं। वैसे इस शिखरवा के लिए ना एक तो बेजोड़ खबर है हमारे पास। क्या खबर? नारद अभी ना, अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलती से हमारी बात सुनी ना तो पखेड़ा खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। हम जब तुमसे मिलेंगे ना तो शेखर का पूरा डिटेल देना हमें। अभी ना तुम्हें बाद में फोन करेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी जी, तुम मिल के बताते हैं। बक्का हो गया। ये रागिनी शेखर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? हमें पता करना होगा कि इसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। देवर जी, आपके भैया जो है ना, वो शाम तक वापस नहीं लौटने वाले हैं। अब हम चले। हाँ चलते हैं, देरी हो जाएगा।
बुआ कहाँ जा रही हो, हमको भी ले चलो। दुलरिया हम लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना है, उका है मंदिर जा रहा है, बहुत पुराना मंदिर जो है पूरा। तो बहुत अच्छा बात है, हमको भी भगवान जी से एगो काम है, हमको ले चलो। दुलरिया हमारा बात समझो, मार कहने का मतलब है तुम यहाँ रह के ना घर संभालो है। देख रहे हैं छोटका फूफा, कौन संभालेगा, मतलब दुदू को ना पतो है तुम्हारी, वो संभालेगी और कौन संभालेगा। वो हमको है ना किसी पर विश्वास नहीं है, समझी। तुम घर में रह कर खाना वाना बनाना, हम तुमको फोन करके बता देंगे कि हम वापस कब आएंगे, ठीक है। फोन करोगी फूफा, तुम एकदम पगला गई हो, फोन तो भुलाना गया था तुम्हारा। हाँ हम तो भूल ही गए कि एक हफ्ते से हमारा फोन जो है कहीं गुम हो गया है। पिछला हफ्ता बड़ा अपशगुन हुआ है फुआ के साथ, अब पहले फोन भुला गया और उसका बाद घर का इज्जत। अगर इनका फोन खो गया था तो इन्होंने हमसे बात कैसे की।